नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञानदान नॉलेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब चाणक्य नीति में चरित्रहीन औरत के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिन पर विचार और फॉलो करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी दुख धोखा आदि भाव उत्पन्न नहीं होते। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में ऐसी परिस्थिति के बारे में लिखा है जो आज भी देखने को मिल सकती है। ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें जानकर आप किसी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में नहीं पड़ेंगे। चाणक्य ने बताया है कि स्त्री जाति एक बहुत ही पूजनीय जाति है। चाणक्य के अनुसार वेदों में स्त्री को देवी कहा जाता है, पर कुछ महिलाएं ऐसे भी होती हैं जो अपनी कुचरित्र की वजह से अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती हैं। ऐसी महिलाओं को केवल एक पुरुष से प्यार करना नहीं आता। ये महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बनाती, मन में कुछ और चल रहा होता है और जुबान पर कुछ और। चरित्रहीन महिलाओं को एक से ज्यादा पुरुषों से संबंध बनाने में शर्म नहीं आती। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और ये शातिर तरीके से सभी को अपने प्रेम जाल में फंसाए रखती हैं। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान और संबंध किसी और के साथ बना रही होती हैं। प्यार किसी और से जताती हैं और प्यार करती किसी और से हैं। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते देखा जाता है। ऐसी महिलाएं पूरी कोशिश करती हैं कि लोग उसे देखें और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक की नहीं होती, उनका प्रेमी, उनका साथी उनकी जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें व हमारे YouTube चैनल ज्ञान द नॉलेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।